दोस्तों अभी हमें देखना है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। दोस्तों इससे पहले आपको याद दिला दें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक मैथमेटिक्स के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देने जा रहे हैं। हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए तीन वीडियोस हम देंगे। फर्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें फास्ट ट्रैक आंसर, सेकेंड वीडियो जिसमें इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और थर्ड वीडियो जिसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। दोस्तों यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और हमें इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। इसलिए इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेंगे ए इज इक्वल टू वन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज इक्वल टू सेवन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज इक्वल टू माइनस वन कॉन्स्टेंट टर्म। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू सेवन स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी दैट इज फोर इंटू वैल्यू ऑफ ए वन इंटू वैल्यू ऑफ सी माइनस वन इज इक्वल टू, अगर हम इस टर्म्स को सॉल्व करेंगे इन टर्म्स को तो हमें मिलेगा सेवन स्क्वायर दैट इज फोर्टी नाइन माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन डेट इज प्लस फोर, फोर्टी नाइन प्लस फोर इट इज इक्वल टू फिफ्टी थ्री। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहां पे मिल गई है फिफ्टी थ्री। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू फिफ्टी थ्री। अभी सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन का भी हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, इसलिए इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर हम करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो हमें मिल रही वैल्यू ए इज इक्वल टू टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड सी इज इक्वल टू टेन कॉन्स्टेंट टर्म, b इज इक्वल टू माइनस फाइव कोएफिशिएंट ऑफ y। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू, इसमें अगर हम a b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल रहे फर्स्ट टर्म b स्क्वायर दैट इज माइनस फाइव स्क्वायर, b की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की माइनस फाइव तो माइनस फाइव स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये हो जाएगा माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू टू इंटू सी की वैल्यू टेन। सो इट इज इक्वल टू ऊपर वाले टर्म्स को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल रहा है माइनस फाइव स्क्वायर दैट इज ट्वेंटी फाइव माइनस फोर इंटू टू इंटू टेन दैट इज माइनस एटी माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस सॉरी ट्वेंटी फाइव माइनस एटी। सो इट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस एटी दैट इज माइनस फिफ्टी फाइव। इस तरह हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी फाइव। अभी थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू रूट टू इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए इसे हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम इक्वेट करते हैं तो हमें जो वैल्यूज मिलेगी वो इस तरह ए इज इक्वल टू रूट टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज इक्वल टू फोर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज इक्वल टू टू रूट टू कॉन्स्टेंट टर्म, बी स्क्वायर दैट इज फोर स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट इज फोर इंटू ए की वैल्यू रूट टू इंटू सी की वैल्यू टू रूट टू इज इक्वल टू जीरो माइनस इज इक्वल टू रूट टू जीरो। सॉल्व करेंगे तो माइनस सिक्सटीन सो सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जीरो है इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू।